नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं भगवान दास मोरवाल की ताज़ा उपन्यास कांस के साथ उपस्थित हूं। मर्दवादी जमींदारी कानून की बलिद वेदी पर जीवा होती धरती पुत्रियों का आर्तनाद, यह इस पुस्तक का उपशीर्षक है। उपशीर्षक कहिए या कांस को व्याख्यायित करने के लिए कहिए, मोरवाल ने यह बात लिखी। मोरवाल की एक खासियत है कि उनके सभी उपन्यासों में मेव की माटी और उस माटी में व्याप्त जो जीवन है, जो जीवन संघर्ष है, जो उस माटी की ताकत है, वह दिखती है। चाहे वह रेत हो, चाहे वह काला पहाड़ हो, चाहे वह हलाला हो, चाहे वह शकुंतिका हो, चाहे वंचिका वंचना हो, वो अपनी हर कृति में यह साबित करते हैं एक कदम आगे बढ़कर कि वे लोक जीवन के चितेरे उपन्यासकार हैं। सुर बंजारन में भी उन्होंने ऐसे ही लिखा है, नरक मसीहा में भी इसी तरह से लिखा है, बाबल तेरा देश में भी यही बात है, मोक्ष वन भी एक अलग विधा की कृति है, सीढ़ियां माँ और उसका देवता लक्ष्मण रेखा कहना ही क्या है। एक और बात कि जाने या अनजाने मोरवाल अपने औपन्यासिक कृतियों में स्त्री की उस प्रखर अस्मिता को उभारने की कोशिश करते हैं जिसे हमारा लोक देखकर भी अनदेखा कर देता है। कांस की पृष्ठभूमि भी ऐसी ही है। मेव की धरती पर कुछ ऐसे कानून हैं जो रिवाजों के नाम पर मजहब से भी परे हैं और भारतीय कानून व्यवस्था से भी परे हैं। यह उपन्यास भारतीय समाज के इसी अंतर विरोध पर चोट करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि रिवाजे आम जो है, यानी जो कस्टमरी ला है, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कानून, भारत की संवैधानिक व्यवस्था और यहां तक कि जो शरीयत, उस पर भी कई बार चोट करने की कोशिश करता है। यानी कोई मजहबी व्यवस्था, कोई कानूनी व्यवस्था, कोई सामाजिक व्यवस्था भी वो लोकाचार और उन रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करती है और बहुत बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। ये परंपराएं जो सदियों से विकसित हुई हैं, वह समाज में इस तरह से वैधानिकता प्राप्त कर चुकी हैं कि उन्हें चुनौती देने की कोशिश कोई नहीं करता है। स्वतंत्रता पूर्व के मेवात इलाके के मर्दवादी कानून, जिसमें लड़की के अपने अधिकारों का हनन होता है और उन अधिकारों का हनन करने में कोई बाहरी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि उसके लिए पति जिम्मेदार है या पिता जिम्मेदार है या भाई जिम्मेदार है, बल्कि उसके लिए पूरा का पूरा समाज और पूरी की पूरी पारिवारिक व्यवस्था जिम्मेदार है। मेवात की इसी रिवाजे आम को जिस तरह से कांस में उन्होंने दर्ज किया है, कांस एक प्रतीक है, उस तरह का प्रतीक जो खेतों में सफ़ेद रंग के फूलों वाली घास जम जाती है और अनगिनत आप रेलवे से यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे, वो फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, कोई उनका देखनहार नहीं होता। हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति भी ऐसी ही कुछ है और इसी बात को तीन भाइयों की बहन, विधवा बहन के बहाने इस कृति में मोरवाल स्त्री के दर्द, स्त्री के मर्म, स्त्री की पीड़ा के आख्यान को उभारते हैं। वो कहते हैं कि देश का संविधान भले ही आज हम 75 साल हो चुके हैं, लेकिन यह संविधान आज भी किनके लिए आज़ादी दे रहा है? दिल्ली से कितना दूर है मेवात? आप कहते हो इस्लामिक व्यवस्था, आप कहते हो कानूनी व्यवस्था, आप कहते हो भारत का हिस्सा, आखिर ये मेव मुस्लिम हैं कौन? वो तो हिंदू भी हैं, वो रामलीला मनाते हैं,
वो भजन कीर्तन करते हैं, तमाम तरह की धार्मिक व्यवस्थाओं को प्रश्रय भी देते हैं। कहने के लिए उस धरती पर खानजादा उपन्यास भी मोरवाल ने लिखा था, लेकिन हमारा संविधान जो स्त्री के अधिकारों की रक्षा का वचन देता है, न जाने अनगिनत बेटियां पैतृक संपत्ति से रिवाजे आम के चलते वंचित हैं। क्यों? क्योंकि वही संविधान उस तरह के रिवाजे आम को भी संरक्षित करता है। यह उपन्यास अपनी ही धरती पुत्रियों के अपने ही पालनहारों द्वारा वंचित होने की एक ऐसी दास्तान है जिसमें कानूनी कांटे भी हैं, मर्मांतक कष्ट है, दुर्दम्य पीड़ा है और एक ऐसा आख्यान है जो केवल चांद भी जैतुनी, जैनब, शाइस्ता, समीना, रस्तुन की गाथा नहीं है, बल्कि इन जैसी अनेकानेक लड़कियों की, बहनों की, स्त्रियों की, बेटियों की आख्या है जो अनचाही घास की तरह चौमासे में उग जाती हैं, धरती पर रहती हैं, लेकिन धरती उन्हें पल्लवित पुष्पित तो करती है लेकिन अपनाने के नाम से भाग जाती है। भगवान दास मोरवाल को एक और अच्छी कृति के लिए मैं बधाई दूंगा। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। यह हार्ड बाउंड संस्करण मेरे हाथ में है जिसका मूल्य है 495 रुपये। यह उपन्यास पेपरबैक संस्करण में भी उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।